थैंक यू। डीवा टाइगर फील्डिंग के लिए देखे जाएंगे, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छे इस पहले मैच का मैन ऑफ द मैच अंकित रहा गया था, इस बार गिरीश को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। गिरीश में भी अच्छी अच्छा गेंदबाजी बैटिंग का प्रदर्शन मैदान के अंदर दिया इस टूर्नामेंट के जरिए। यहाँ पर सब राजस्थान प्रीमियर लीग 2023-24 यहाँ पर देखा जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र श्री महाराणा क्रिकेट क्लब मुंबई महाराष्ट्र द्वारा आयोजित गया यह टूर्नामेंट। बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत, थैंक यू। बॉलर नेम युवराज, युवराज की बहुत ही शानदार बॉलिंग। अगली बॉल युवराज की और सिंगल रन का प्रयास, बहुत ही शानदार बॉलिंग युवराज की। अगली बॉल फिर से युवराज की, जीतू सामना करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही शानदार शॉट और चार रन की ओर, बहुत ही शानदार शॉट जीतू भाई का। अगर दीवा टाइगर को जीतना है तो बॉलिंग बहुत ही शानदार करनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार जीतू भाई का, किंग 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 मैदान, किंग मैदान। हाँ हाँ, अरे यार था कहीं जगह हो दलसाक, फोन कर दलसाक, मैं नाम कमेंट्री कर रही हूँ, मैं कमेंट्री कर रही हूँ, दलसाक फोन कर दलसाक। बहुत ही शानदार बॉलिंग युवराज की। युवराज की अगली बॉल केपी सामना करेंगे और बहुत ही शानदार फील्डिंग। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन, पावर प्ले खत्म। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम ईश्वर। ओके, ईश्वर की बॉल का सामना करेंगे केपी। अगर जीतना है इस टीम को तो स्कोर चाहिए 60 से ऊपर। अगर दीवा टाइगर को जीतना है तो बॉलिंग करनी पड़ेगी, विकेट उड़ाने पड़ेंगे। अगली बॉल ईश्वर की वाइट। अगर दीवा टाइगर को जीतना है तो एक्स्ट्रा रन रोकना पड़ेगा।
बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। बहुत ही शानदार शॉट और देखते हैं फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग मोहन सिंह के द्वारा, एक रन पर संतुष्टि। दिवा टाइगर का एक प्लेयर को बुलाओ इधर, एक प्लेयर आए भाई। बहुत ही शानदार शॉट जीतू भाई का और सामने अच्छी फील्डिंग, एक रन से संतुष्ट। दिवा टाइगर का एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। बहुत ही शानदार बॉलिंग, जिस तरह से जाने माने केपी बना को जाना जाता है उस तरह से अभी बैटिंग दिखी नहीं है। और अगली बॉल ईश्वर की, सामना करेंगे इस केपी और रन आउट का चांस है यहाँ पर। और वाइट, और ऐसे रन आप छोड़ोगे तो फिर यहाँ क्रिकेट से बाय बाय करना पड़ेगा आपको, जितना रन लोगे उतना फायदा होएगा और जीत की ओर पहुंचोगे आप जितना रन लोगे उतना। और कट कैच छोड़ा है, कैच छोड़ो मैच छोड़ोगे बराबर होता है, अगर आप एक कैच भी छोड़ते हो तो मैच छोड़ा पूरा बराबर है। ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, लाओ न्यूजीलैंड टीम हार कर भी जीत जाना जानती है भारतीय टीम। हम ठहरे क्रिकेट प्रेमी, हमारी धड़कने तब बढ़ती हैं जब मैच टाई हो जाता है। हम ठहरे क्रिकेट प्रेमी, हमारी धड़कने तब बढ़ती हैं जब मैच टाई हो जाता है। और अगला मैच के दोनों टीमें तैयार हो जाएं, प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। मोहन सिंह, और बहुत ही शानदार फील्डिंग और बहुत ही शानदार रनिंग, दो रन चुरा लिए, आंखों के बीच में दो रन चुरा लिए। युवराज अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं और टीम का तीसरा ओवर है, तीसरा ओवर चल रहा है और 19 रन, और देखते हैं कैच क्या आउट। बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही लाजवाब, जीतू भाई का विकेट गया है। अगला बैट्समैन नेम प्रकाश, पीके, अगला बैट्समैन पीके प्रकाश। और अगली बॉल युवराज की, सामना करेंगे पीके प्रकाश, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही शानदार लेग साइड में और एक रन पर संतुष्टि, अगर चौका छक्का नहीं आएगा तो फिर मैच गड़बड़ रहेगा।
अगर जीतना है, जीत की तरफ पहुंचना है तो आपको चौके छक्के मारने पड़ेंगे, मोरिया बोलाना है तो। राइट, अगली बॉल। इसी के साथ ये बहुत ही अच्छी बॉल, बैट्समैन को देखकर खेलना होगा बॉल को। फर्स्ट प्रीमियर लीग हो रहा है, राजस्थान प्रीमियर लीग। सभी महानुभवों को बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन यहाँ पे किया है सब, अच्छा नाश्ता पानी, टीम भी सब अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। अगली बॉल लंबे लंबे कदम से, इसी के साथ बैट्समैन ने घुमाया है, एक रन इसी के साथ। समय का एकदम अच्छे से उपयोग करें, नहीं तो लास्ट फाइनल और सेमीफाइनल के लिए बहुत ओवर कम करने पड़ते हैं। एक बॉल बाकी है अभी, ओवर एम्पायर, एक बॉल बाकी है, ओवर ओवर ओवर, सॉरी सॉरी, ओवर 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 ओवर, सॉरी, स्कोरर से भी मिस्टेक होता है। किसी को नाश्ता करना है तो नाश्ता रेडी है, कृपया अल्पाहार जरूर करें। विक्रम, नेक्स्ट बॉलर विक्रम। 5 ओवर का मैच है, आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहिए। मैच ज्यादा बना, रन बनाओगे वैसे आप मैच जीतोगे। राजस्थान प्रीमियर लीग फर्स्ट टूर्नामेंट हो रहे हैं, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले सभी टीमों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलर ने विक्रम, स्कोर 24। अरे ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे मैच जीतोगे आप? मैच जीतने के लिए हर एक कैच लेना जरूरी है। अभी तक एक विकेट, 5 ओवर में आपको हर ओवर में 2 विकेट चाहिए तो चलता है, मगर स्कोर बनना चाहिए। हर बॉल पे हिट मारने की कोशिश करनी चाहिए, इक्का दुक्का से कुछ नहीं होगा। बेहतरीन बॉलिंग राजस्थान प्रीमियर लीग का फर्स्ट टूर्नामेंट दीवा में हो रहा है, सभी को बहुत बहुत आभार। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं यहाँ पे विक्रम। अगली बॉल, और ये उठा के मारा है, कैच हो सकता है, नहीं, दूसरे रन के प्रयास में रन आउट का चांस है, 2 रन। बेहतरीन रनिंग, स्कोर जितना बनाओगे 5 ओवर में कम से कम 60 रन तो चाहिए चाहिए, तभी जाके आप मैच जीत सकते हो। आउट, आउट इसी के साथ। समय का एकदम सदुपयोग करें, दिलीप सिंह ने कैच लिया है। बैट्समैन नेम चोपाराम, चोपाराम को चौके लगाने चाहिए लंबे लंबे। स्कोर 26 उठाया है इसी के साथ, कैच, बेहतरीन बॉलिंग और कैच, गोल्डन डक, 0 पे आउट। चोपाराम, आए राम गए राम, ऐसा नहीं चलेगा। स्कोर 26। नेक्स्ट बैट्समैन नाम, नेक्स्ट बैट्समैन नाम प्रदीप।
एक बॉल बाकी है एम्पायर प्लीज, पांच ही बॉल हुआ है। और सॉरी सॉरी स्कोरर से मिस्टेक हो रहा है, ओवर ओवर लास्ट ओवर। बेहतरीन बॉलिंग, आसान से दो तीन ओवर में मैच जीत जाएंगे। 26-30 रन से कुछ नहीं होता है आज के मैच। पहली बॉल पर ये घुमा के मारा है, बैट्समैन को लगा है। बॉलर नेम मोहन, बेहतरीन बॉलिंग। अंपायर प्लीज देखिएगा खिलाड़ी को लगा है क्या, क्योंकि इस टूर्नामेंट के जरिए यहाँ पर मुंबई से खिलाड़ी आए हैं और उनका ख्याल रखना हमारा भी काम है, कर्तव्य है। पानी पानी लेके जाओ मैदान के अंदर, खिलाड़ी को ज्यादा तकलीफ हो रहा होगा तो प्लीज प्लेयर चेंज। थैंक यू थैंक यू। चोट ज्यादा गहरा नहीं है तो खेल सकते हैं, और ज्यादा गहरा है तो फिर बाहर आ सकते हैं, प्लेयर चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बॉल, ये कट लगा और आउट। बेहतरीन बॉलिंग हो रही है, स्कोर में कुछ इजाफा ही नहीं हो रहा है, स्कोर वहां का वहीं टिका है और विकेट के उसमें लाइन लगी हुई है। मोहन सिंह नेक्स्ट बैट्समैन, मोहन सिंह चार विकेट, बॉलर भी मोहन सिंह, बैट्समैन भी मोहन सिंह। मोहन सिंह वर्सेस मोहन सिंह, देखते हैं क्या होता है अगली बॉल पर। और क्या सिक्स मारेंगे, तो लगा ही भी नहीं रहे, शॉट की गुंजाइश ही नहीं कर रहे, तो सिक्स कहां से जाएंगे। उठा उठा के मारने चाहिए तभी मजा आएंगे। पांच ओवर के अंदर आपके पास 10 विकेट है, एक ओवर में 2 विकेट जाए तो भी स्कोर बनता है। स्कोर के लिए खेलो, बस टीम को जिताने के लिए खेलो। बेहतरीन बॉलिंग का मुजहरा, ये शॉट। इस टूर्नामेंट के जरिए यहाँ पर हमारे जो दोस्त है मुंबई क्रिकेट लीग और अथर्व पैकर्स घाटकोपर मुंबई के जो अपने ओनर है विशाल जी शिंदे, उनकी तरफ से भी इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सर आपका भी मन मन से हार्दिक ऐसा स्वागत, थैंक यू वेलकम। अरे चौका छक्का मारो, बॉल तो ऊपर ही नहीं जा रही है धारी। अरे नींव है तो नाश तो कर लीजिए पहला। अरे यार बैट पे बॉल लग ही नहीं रहे, और ये रन आउट, लास्ट बॉल पे रन आउट। स्कोर 29-30 रन विन, ओनली 30, पांच ओवर में 30 बॉल में 30 रन, क्या स्कोर। हमारे गणेश भाई यहाँ कमेंट्री में बैठे हैं, बहुत ही उनका भी सहयोग बहुत रहे हैं टूर्नामेंट कराने के लिए। बॉल स्पॉन्सर गणेश चौधरी, त्रिमूर्ति मेडिकल डोंबिवली ईस्ट, मेडिसिन की सुविधाओं के लिए यानी 24 घंटा आपके सेवा में हाजिर है गणेश चौधरी त्रिमूर्ति मेडिकल। दलपत सिंह सोलंकी जहां भी हो इधर आए कमेंट्री बॉक्स में, और नेक्स्ट मैच का टॉस कराए। बहुत ही बढ़िया आयोजन है टूर्नामेंट का, पहले ही प्रीमियर लीग है राजस्थान प्रीमियर लीग फर्स्ट दिवा, टॉस होने जा रहा है अगला मैच। टीम नेम, टीम का नाम बताए, किसका किसका मैच है। टॉस टॉस टॉस, नेक्स्ट मैच का टॉस हो रहा है, जो भी दोनों टीम के कैप्टन है आ जाए। टीम
भवानी 11 थाने और श्री चार भुजा 11 नेरुल, दोनों टीम का अगला मैच है 5 ओवर के बाद। आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। महाराष्ट्र मुंबई जैसे एरिया में हर व्यक्ति के लिए पल पल बहुत जरूरी होता है और आप पूरा दिन का समय निकाल के आए, बेहतरीन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री चार भुजा नेरुल भवानी 11 थाना, दोनों का नेक्स्ट मैच है, टॉस हो रहा है। नेहरुल ने टॉस जीतकर 4 भुजा 11 टॉस जीतकर बॉलिंग लिया है। अपने टीम का नाम दोनों कैप्टन आपने टॉस जीतकर बॉलिंग लिया, क्या विचार है आपका, क्या टारगेट देने का विचार है? हम तो जो सामने टीम जो भी स्कोर हमको देंगे हम चेस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, हम हमारा 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे। सुबह से जो मैच है रहे, बॉलिंग बहुत ही अच्छी हो रही है यहाँ पे और बैट्समैन के एक छक्के पे 1000 रुपये का इनाम रखा है मदन भाई ने, बहुत ही बढ़िया। और 5 ओवर का मैच है, आप कितना टारगेट सेट करना चाहेंगे? सर देखिए एक्चुअली क्या है कि कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की, टारगेट की 70-80 के आसपास तो बनाएंगे नॉर्मली। बहुत ही बढ़िया है, 70-80 रन बनाने का बोल रहे हैं और हमेशा हौसला ज़्यादा रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनने की कोशिश करनी चाहिए। और बॉलिंग के बहुत ही दोनों टीम को बहुत ही शुभकामनाएं मेरी तरफ से, अच्छा खेले, कैच पकड़े, फील्डिंग अच्छी करे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू प्रदीप, आते ही टॉप गियर में बैटिंग करते हुए अपने टीम के लिए। ओहो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैदान के अंदर देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखी जाएगी। 30 रनों का टारगेट सेट किया है, 29 रन स्कोर कार्ड पे लगे थे इस पहली इनिंग में और 30 रनों का टारगेट सेट किया है और देखा जाए तो एक छोटा सा लक्ष्य इस बार फाइनल की दिशा तय किए थे, पर उधर देखा जाए तो गेंद और बैट बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ वहां पर, डॉट बॉल के इस बार फिर से एक बार, इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास मिड विकेट पे, खिलाड़ी मजबूत वहां पर देखा जाए तो दो रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, 2 रनों से टोटल स्कोर 11 पे, 11 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर कार्ड पे। प्लीज गेंदबाज का बॉलर का नाम यहाँ पर बताइएगा, बार बार सूचित किया जा रहा है और टाइम बचाइए। तीसरा मैच दोस्तों हम खेलने जा रहे हैं, वहां पर 30 रनों का टारगेट रहेगा। यहाँ पर पहले ओवर में जीतू ने अच्छा परफॉर्म किया अपने टीम के लिए, 2 चौके आए, फिर उसके बाद जब हम देखे जाएंगे तो अच्छी गेंदबाजी, लो स्कोरिंग मैच भी अच्छा। विक्रम जर्सी नंबर 11, थैंक यू खेल, प्लीज
टाइगर दीवा आपको विनती है आप पैवेलियन में जाके सेट हो जाइए क्योंकि ऊपर पैवेलियन बना है सभी खिलाड़ियों के लिए ऊपर 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 थैंक यू प्लीज थोड़ा सा हमें भी सहाय कीजिए इस टूर्नामेंट के जरिए आप भी यहाँ पर आ गए हो पर हमको भी थोड़ा सा सहाय कीजिए थैंक यू आप थेट मैदान के अंदर जा सकते हैं यहाँ पर तर गेंदबाज का नाम बताइएगा बॉलर नेम प्लीज बॉलर का नाम बताओ प्लीज बार बार सूचित किया जा रहा है माणाराम रहेगे गेंदबाजी पे प्रदीप के लिए छक्के पे 1000 रुपए का 1000 रुपीज कैश प्राइज रहेगा यहाँ पे इस बार खेलने का प्रयास जड़ पे आती हुई गेंद पैरों पे लगती हुई एक सिंगल लेते हुए एक सिंगल से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पे स्कोर अभी देखा जाएगा तो 12 रन स्कोर कार्ड पे हम देख सकते इस बार बड़ा स्ट्रोक बड़ा हिट खेलने का प्रयास फिर से एक बार जीतू आते हुए जीतू का अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर दिखता हुआ और एक रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड पे दूसरा ओवर है इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास लॉन्ग ऑन पे क्षेत्ररक्षक बहुत दूर से यहाँ पर एक रन कंप्लीट दूसरे रन का प्रयास देखना चाहेंगे वहां पर रनआउट की संभावना भी थी पर वहां पर देखा जाए तो अच्छी फील्डिंग और अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट ऐसा बोला जाएगा अच्छा रनिंग वहां पे देखा गया मराठी में एक मुहावरा है चीतेची चपळाई आणि हरणाचा वेग मैदानाच्या आतमध्ये दाखवला जातोय 16 धावा 16 रन्स टू ऑन स्कोर कार्ड देखा जाए फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए नुमार इस बार स्टेप डाउन द ग्राउंड स्टेप आउट खेल के खेल डांसिंग डाउन द विकेट यहाँ पर गेंद प्रदीप के बैट से निकलती हुई गोली की रफ्तार से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन बाहर चौका किसी कोई खिलाड़ी लेट आए होंगे नेरुल टीम और उनके सामने वाली टीम विपक्ष टीम आपको नाश्ता करना होगा तो यहाँ पर नाश्ता चालू है किसी खिलाड़ी को नाश्ता करना होगा तो प्लीज यहाँ पर ऑर्गेनाइजर टीम ने खाने पीने की भी व्यवस्था की है आप प्लीज उसका लाभ लीजिएगा सबको विनती है देखा जाए मैदान के अंदर हम जाएंगे वहाँ पर 20 रन स्कोर कार्ड पे लगे अभी इस बार जड़ पे आती हुई गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में खेली है डीप स्क्वायर लेग पे क्षेत्ररक्षक वहां पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद एक सिंगल लेते हुए एक सिंगल से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 9 रनों की जरूरत जीतने के लिए टाइगर दीवा हमारे ही ग्राउंड में आकर हमें हराओगे इम्पॉसिबल है और दीवा टाइगर टीम दिखाती हुई अच्छे रनिंग मैदान के अंदर अच्छी गेंदबाजी अच्छी फुलंदाजी अच्छी बैटिंग वहां पर दिखती हुई स्कोर कार्ड पे रन इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास कैच और एक कैच पकड़ लिया लपक लिया बैट्समैन आउट होते हुए का बहुत बहुत
धन्यवाद, थैंक यू। इस टूर्नामेंट के जरिए यहाँ पर हमारे चुनलेलाल कुमार साहब जी आ चुके हैं, मैन फ्रॉम डोंबिवली कल्याण। आपका भी एक बार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए इस प्रतियोगिता के बारे में। प्रतियोगिता चलो नेक्स्ट मैच फील्डिंग अंपायर्स विनती है आप नेक्स्ट मैच मैच किसका है? तर भवानी इलेवन ठाणे श्री चरबुजा इलेवन नेरूल। चला क्षेत्ररक्षण कोणत्या टीमचं आहे, कौन से टीम का क्षेत्ररक्षण है, फील्डिंग कौन से टीम का है? चलो प्लीज फील्डिंग लगा लीजिए। नेक्स्ट मैच फील्डिंग कौन से टीम का है प्लीज यहाँ पर बताइए, बता दीजिए प्लीज। तर या मैच मैन ऑफ द मैच, इस मैच का मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक जा रहा है प्रदीप। बेहतरीन बड़े बल्लेबाजी, नॉट आउट खेले, अपने टीम के लिए टीम को जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जाएगा प्रदीप को। अच्छी बैटिंग किया आपके अपने टीम के लिए। मैं